रीवा नगर निगम परिषद का पांचवा बजट आज वित्त प्रभारी नीरज पटेल द्वारा पेश किया गया। विपक्ष ने बजट को जनता के हित में नहीं होना बताया। आपको बता दें कि नगर निगम परिषद में जमकर हुए हंगामे के बीच बजट पेश किया गया। विपक्ष के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य पार्षद और सत्ता पक्ष के पार्षदों के बीच जमकर बहस और धक्का मुक्की तक हुई। हालांकि आखिरी में बजट पेश हो चुका था। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष का 2018-19 का बजट था, उसमें इन्होंने बहुत से लोक लुभावने वादे किए थे रीवा की जनता के लिए। इन्होंने अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम को लाया, ये अमृत योजना का पेयजल को ले आए, ये अमृत योजना का ग्रीन पार्क को ले आए, ये अमृत योजना का ट्रांसपोर्ट को ले आए, पर ये किसी भी सफल नहीं। मिलाकर बजट एक लोक लुभावना है और जनता के हित का एक भी बजट नहीं है। इसमें जनता को लेकर और यहाँ के गरीबों को लेकर, यहाँ के लड़कों को लेकर कोई भी योजना नहीं है। पार्क की बात ये हमेशा करते हैं, आज तक कोई ऐसा पार्क नहीं बना, नेचर सिस्टम नहीं बना कि लोग जाकर वहाँ पर खड़े हो सके। हमारी नगर सरकार की है अंतिम बजट 2019-20 का आज हमारे प्रभारी सदस्य माननीय नीरज पटेल जी ने प्रस्तुत किया है, पेश किया है, और हम इस आशा से भरे हुए हैं कि विगत 4 वर्षों में भी नगर सरकार ने रीवा की जनता का की भावों का सम्मान किया है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रही है, और इस बजट में भी जनता के सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ये जो संपत्ति कर की बात है, तो मैं इस विषय पे कहना चाहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिसने इस बात को तय रखा था कि नहीं, हमें जनता पर अतिरिक्त भार नहीं देना है, जो नियम है उसके अंतर्गत ही काम होना है। और मैं कहूं कि 2007 से ये चीज़ें चल रही थी, किंतु जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है और आने के बाद राजनीतिक द्वेष से भरकर राजनीतिक बदरे के रूप में उन्होंने 16 नगर निगम में 3 नगर निगमों में छिंदवाड़ा, रीवा और ग्वालियर में जाँच बैठाई, और जाँच के बाद छिंदवाड़ा महापौर हमारी सम्मानपूर्वक दोषमुक्त हुई, ग्वालियर महापौर जी ने अपना पिटीशन दायर कर दिया है, और आज ही मुझे नोटिस प्राप्त हुई है और जो तथ्य उसमें आए हैं, मैं उन तथ्यों पर पूरे प्रामाणिक तरीके से अपनी बात को रखूंगी। जो नोटिस आई है उसमें 2015-16, 16-17 और 17-18, इसके पहले भी जो पत्र आया करते थे, जो नोटशीट आया करती थी, उसमें इस बात का रखा जाता था कि जनता पर कर अधिरोपण किया जाए, पर हमारा ये था कि हम जनता को 6% की छूट देते थे, वो भी नियम के अंतर्गत। और जो अधिरोपण की बात थी कि भाई ठीक है, जनता पे समय पे अगर काम कर रही है और यदि उसके साथ कोई व्यवधान है तो उस बात को रखा गया था, और उस अधिरोपण को, जैसा कि आयुक्त की तरफ से बातें आती थी, नोटशीट आती थी, उसको सब बातों को ध्यान में रख कर अधिरोपण नहीं किया गया था। और आज वही विषय फिर आया है, और जो मुझे नोटिस मिली वो इसी बात की है कि आपने जनता पर कर अधिरोपण क्यों नहीं किया, उनसे बकाया राशि संपत्ति पे कर ब्याज क्यों नहीं लिया, इस बात के लिए मुझे नोटिस आई है। हाँ बिल्कुल, न्यायालय के शरण, क्योंकि न्यायालय तो सर्वोपरि है, वहाँ पर सबको न्याय मिलता है, और हमें भी विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा।